बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोअर लिम के बोन्स के क्लिनिकल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने हमारे पास जनरलाइज सा व्यू दिया हुआ है कि किस तरह इंजरीज होती हैं लोअर लिम की। इसमें उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि लोअर लिम में हमारे पास नी, लेग और फुट की जो इंजरीज होती हैं वो कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हिप की इंजरीज। हिप की इंजरीज लेस दैन 3% आर लाइकली टू बी अकर। ठीक है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इनका कॉज क्या होता है, ट्रामा या हमारे पास स्पोर्ट्स के केस में ये इंजरीज हो रही होती हैं। ये इंजरीज जो होती हैं एडोलेसेंस में कॉमन होती हैं। ये इंजरीज एडोलेसेंस में कॉमन होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स और एक्टिविटी जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी मैच्योर कर रहा होता है। जो लोअर लिम की बोन्स होती हैं उनके अंदर ऑसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन डिस्कस की हुई है, ऑस्टियोकंड्रोसिस। ऑस्टियोकंड्रोसिस में ये होता है कि ग्रोथ स्पर्ट में जब बोन्स जब सब कुछ ग्रो कर रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी पीक पर है, तो बोन की ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू द मसल ग्रोथ इसका रेट ज़्यादा होता है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो हमारे पास इंजरी और इरीटेशन डिवेलप हो सकती है एपिफिज़ या डिवेलपिंग बोन की, जिसे हम ऑस्टियोकंड्रोसिस कहते हैं। हिप बोन की अगर हम इंजरीज़ की बात करें तो इन इंजरीज़ में हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जो कि नेक शैफ्ट फ्रैक्चर है। वल्गन फ्रैक्चर का ये मतलब होता है कि लिगामेंट या टेंडन बोन के साथ जिस पार्ट ऑफ द बोन पर अटैच है, बोन का वो चंक ले के लिगामेंट या टेंडन वहाँ से उतर जाए। ठीक है, ये बोन है, अगर यहाँ पर टेंडन अटैच है तो ये जितने पार्ट पर अटैच है उतने पार्ट को ले के यहाँ से उतर जाए और बोन फ्रैक्चर हो जाए। एवेलियन फ्रैक्चर यहाँ पर एपोफाइसिस के पार्ट एपोफाइसिस के रीजन में होते हैं। एपोफाइसिस हम कहते हैं उस बोनी प्रोजेक्शन को जिसका अपना सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर नहीं है। हिप बोन में से अगर हम बात करें एवेलियन फ्रैक्चर्स की, तो स्पोर्ट या एक्यूट ट्रामा के केस में हो सकते हैं, उन स्पोर्ट्स में स्पेशली जिनको सडन एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इंफीरियर इलिक स्पाइन, स्केल ट्यूबरोसिटी, इसके अभी भी ग्रेमस वगैरह में ये फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। अगर हम अगली कंडीशन कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा की बात करें, तो इनमें हमारे पास जो नॉर्मल फेमरल नेक और फेमरल शाफ्ट के दरमियान 125 का एंगल होता है वो डिस्टर्ब्ड होके या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। इसका अगर हम बात करें ये एंगल वो लाइफ में वेरी करता है, विद द सेक्स वेरी करता है। रिकेट्स में ये जो ये जो फेमरल नेक होती है ये वीक हो जाती है। अगर हम वेरा की कंडीशन में बात करें तो इसमें हमारे पास लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है और हिप की एबडक्शन या एबडक्शन जिसे हम कह रहे होते हैं वो भी लिमिटेड हो जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास वेरस की कंडीशन है, जब एंकल हमारे पास डिक्रीज़ हो गया, लिम्ब की शॉर्टनिंग हो गई है, एबडक्शन ऑफ द हिप लिमिटेड हो जाएगी और डिस्टल एलिमेंट जो है वो मिड लाइन की तरफ डेविएट हो गया है। यहाँ पर देखें, नॉर्मल में देखें डिस्टल एलिमेंट को, डिस्टल एलिमेंट यानी फुट या लेग्स, ठीक है, और यहाँ पर देखें अगर हम तो जो है वो मिड लाइन की तरफ डेविएट हो गया, और वेलगस की कंडीशन में अवे फ्रॉम द मिड लाइन डेविएट हो जाता है डिस्टल एलिमेंट, ठीक है। ये था सारा हमारे पास इनका वेरा और वेल्गा का। उसके बाद हमारे पास एपिफिजियल प्लेट अगर फेमरल हेड की डिसलोकेट हो जाए तो मोर कॉमन वो होती है एडोलेसेंस में और चिल्ड्रंस में। ये क्योंकि वीक होती है और ये स्लिप हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो या रेपिटेटिव इनका यूज़ हो जाए, ठीक है। रेपिटेटिव अगर जो है हम लेटरल रोटेशन ऑफ थाई कर रही हैं, एबडक्शन कर रही हैं, तो ये स्लिप हो सकती है, ये इसकी डिसलोकेशन हो सकती है। इनिशियली इसमें ये होता है कि हिप के डिस्कम्फर्ट होती है और नी के अंदर इसकी वजह से रेफर्ड पेन होती है, लेकिन इसका जो है हमारे पास आउटकम मतलब आखिर में हमारे पास कॉक्सा वेरा हो सकता है, ये कंडीशन कॉक्सा वेरा कॉज कर सकती है। फेमरल फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऑल द फेमर जो होती है वो साइज़ और स्ट्रेंथ में बड़ी होती है, लेकिन इसकी फ्रैक्चर स्टिल कॉमन है। फ्रैक्चर्स जो है डिफरेंट जगह पर हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल फीमर पर, कैप्सूल के अंदर, या ट्रोकेंटर पर, या डिस्टल फीमर के। हमारे पास जो प्रॉक्सिमल फीमर के फ्रैक्चर्स हैं वो नेक ऑफ द फीमर पर हो रहे होते हैं,
या इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर हो रहे होते हैं। नेक ऑफ द फीमर के अगर हम फैक्टर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि एक एंगल पे प्रेजेंट है नेक और वेट बेयरिंग नेक है, ठीक है। इसका कॉज जो है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉजेज इसके आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पहला कॉज एज और दूसरा कॉज हमारे पास आ जाता है फीमेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल फीमर के फ्रैक्चर्स आ जाते हैं जो कि इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो रहे होते हैं। अब हम इनकी बात करें, ये इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो रहे होते हैं कि हमने कोई हार्ड स्टेप रखा, ऊपर से छलांग मारी, ज़ोर से पाँव नीचे लगा, ठीक है, या लड़खड़ा के चल रहे थे, उसके दौरान प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है जो बोन के फ्रेगमेंट्स होंगे फ्रैक्चर में वो ओवरराइड करेंगे, वो फिर लिम्ब की शॉर्टनिंग करवाएंगे। इसके अलावा मस्कुलर स्पैज्म जो वहाँ पर कॉज होगा उस एरिया में वो भी लिम्ब की शॉर्टनिंग करवा देगा, यानी लिम्ब शॉर्टनिंग हो रही है इस केस में। अगर हम कैप्सूल हिप कैप्सूल के अंदर वाले फ्रैक्चर की बात करें तो ये अगर इसमें हमारे पास फेमरल हेड जो है उसकी भी डीजनरेशन हो गई है तो जो फ्रैक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर अब वेस्कुलर ट्रॉमा हो गया, ठीक है, यानी वेसल्स वहाँ पर डैमेज हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर या शाफ्ट के फ्रैक्चर की बात आ जाती है, ये डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो रहे हैं। हमने जब बात की थी प्रॉक्सिमल फीमर की तो इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो रही थी वहाँ फ्रैक्चर, यानी डायरेक्ट किसी ने यहाँ पर हिट किया है, एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, इसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। स्पाइरल फ्रैक्चर हम कहते हैं यहाँ पर है हमारे पास इधर इस तरह फ्रैक्चर हुआ है स्पाइरल की शेप में और फ्रेगमेंट्स ओवरराइड कर रहे हैं, बोन शॉर्टनिंग हो रही है, ठीक है, और इसके जो यूनियन है उसको सालों लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टीबियल फ्रैक्चर्स, नहीं उसके बाद, अच्छा हमारे पास अभी डिस्टल फीमर के फ्रैक्चर्स रहते हैं। अच्छा हमारे पास जो डिस्टल फीमर है इसके कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि इसमें जो कॉन्डाइल्स हैं वो ही सेपरेट हो जाएं। उसके बाद अगर डिस्टल फीमर के फ्रैक्चर में हमारे पास जो हिप जो नी जॉइंट है उस पर इफेक्ट आ रहा है तो हमारे पास पॉपलीटियल आर्टरी का हेमोरेज हो सकती है क्योंकि वो इस बोन के बिल्कुल पीछे से गुजर रही होती है और इस तरह पूरी लेग की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हम आ जाते हैं टीबियल फ्रैक्चर्स। टीबियल फ्रैक्चर्स में ये होता है कि हमारे पास इसकी जो कॉमन साइट है फ्रैक्चर की वो लोअर वन थर्ड होती है, ठीक है, और इसी साइट की जो है ब्लड सप्लाई वो भी पुअरेस्ट होती है। जो इंटीरियर साइट है हमारे पास टीबिया की वो सबक्यूटेनियस होती है, इसकी वजह से हमारे पास इस तरह का कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाता है जिसमें ओपन ब्लीडिंग हो रही होती है। इसी केस में हमारे पास बम्पर फ्रैक्चर भी हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। अच्छा खैर हम डिस्कस करते हैं, बम्पर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। बम्पर फ्रैक्चर में ये होता है कि कार के बम्पर पर लेग हिट करी, क्योंकि हमने कहा कि डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से ये फ्रैक्चर हो जाता होता है। अगर तो फ्रैक्चर न्यूट्रिएंट कैनाल के थ्रू हो रहा है तो हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी भी डैमेज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स या मार्च फ्रैक्चर आ जाता है कि इन्फीरियर टीबिया का फ्रैक्चर होता है। अगर कोई हाइकिंग करने लग जाए लेकिन वो यूज्ड टू नहीं है हाइकिंग करने के लिए तो हमारे पास जो है इंटीरियर साइड ऑफ द टीबिया पर स्ट्रेन आता है, इनडायरेक्ट वॉयलेंस हो जाती है शाफ्ट की, मतलब इनडायरेक्टली शाफ्ट पर स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है, इंटीरियर साइड ऑफ द टीबिया पर स्ट्रेन आ रहा है। इंटीरियर कॉर्टिक्स इसलिए कहा है क्योंकि वो आगे से क्यों है टीबिया, ठीक है। तो हर बोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेड्यूला होता है, तो कॉर्टेक्स पर स्ट्रेन आ रहा है और अंदर मेड्यूला है तो हम इसे कह रहे हैं कि इंटीरियर कॉर्टेक्स, हम इसे कह रहे हैं इंटीरियर कॉर्टेक्स का फ्रैक्चर, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर एक दूसरे को टैकल करें तो करते हुए ये फ्रैक्चर के लिए मतलब ज़्यादा रिस्क होता है कि फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डायगनल फ्रैक्चर्स। डायगनल फ्रैक्चर उन्होंने ये शो किए हुए हैं, ठीक है, स्कीइंग के दौरान हो जाता है और इसमें टीबिया और फिबिला दोनों फ्रैक्चर हो रही है। जो मिडल वन थर्ड ऑफ द टीबिया, ये टीबिया है तो ये इसका जो मिडल वन थर्ड है और जो इन्फीरियर वन थर्ड है उनके जंक्शन पर ये फ्रैक्चर हो रहा होता है, ठीक है। पहले हमने यही पढ़ा कि ये जो जंक्शन है ये मोस्ट प्रोन टू द फ्रैक्चर होते हैं इनकेस ऑफ द टीबिया। फिर यहाँ पर बात आ जाती है बूट टॉप फ्रैक्चर की। बूट टॉप फ्रैक्चर में ये हो रहा होता है कि स्कीइंग या हाई स्पीड से अगर हम आगे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा बूट और लेग के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये बूट है तो ऊपर से लेग शुरू हो रही है, बूट और लेग के दरमियान एक एंगल बनेगा, ठीक है,
जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्चर जिनके अंदर एपिफिजियल प्लेट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें जो बात सबसे पहले की हुई है वो ऑसिफिकेशन सेंटर्स की बात। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो बर्थ के बाद पेयर हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंस तक ये जो होता है शाफ्ट ज्वाइन करके पूरा शाफ्ट जो बना रहा होता है, ठीक है। टीबियल फ्रैक्चर्स अगर चिल्ड्रन में हों तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि क्योंकि एपिफाइसिस से ही तो सॉरी एपिफाइसल फ्रैक्चर अगर हों फ्रैक्चर जिनमें एपिफाइसिस जो है वो भी डैमेज हो रहा है तो फिर चिल्ड्रन में ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इनकी वहीं से तो ग्रोथ होनी है, तो इस तरह नॉर्मल बोन ग्रोथ भी जो है रिस्क पर चली जाती है। उसके बाद उन्होंने यहाँ एक डिज़ीज़ की बात की हुई है, ऑस्गुड स्क्लेटर डिज़ीज़ की, ठीक है। इसमें ये होता है कि यंग एथलीट्स के अंदर एपिफाइसल प्लेट जो कि टीबियल ट्यूबरोसिटी पर प्रेजेंट है, ये टीबियल ट्यूबरोसिटी शो की हुई है, इधर जो एपिफाइसल प्लेट है वो डिस्टर्ब्ड हो गई है। इसमें ये होगा कि पेन होगी, क्रॉनिक पेन होगी और रिकरिंग पेन होगी। रिकरिंग पेन होगी, क्रॉनिक पेन होती है जो कि कंटेनर जो कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है।